Dear students of class 5th, today we'll start your computer lesson number 4, Objects in MS Word 2007. MS Word is a word processing application software. You have learned edit and format documents in MS Word. Have a look at the MS Word 2007 स्क्रीन बन सके। देखो बच्चों, पिछली क्लास में आपको MS Word के बारे में बताया गया था। MS Word जो है आपका वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कोई भी हमें लेटर टाइप करना है, ठीक है, तो सारे के सारे लेटर किस में टाइप होते हैं? हमारे MS Word के अंदर। आज हम MS Word के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। देखो, जब भी हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे होता है आपका? सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना पड़ता है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद फिर हमें वहाँ सर्च करना पड़ता है एमएस वर्ड। जैसे हम एमएस वर्ड के आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन खुलती है वो इस तरह की होती है। इसके ऊपर यहाँ पर देखो कॉर्नर पर ये होता है ऑफिस बटन, और ये जो होता है आपका जिसपे मैं आपकी मेरी उंगली दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलते हैं रिबन। और सबसे ऊपर होता है ये टाइटल बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, प्लेस लेआउट, जो इस पर लिखा हुआ ये है हमारी टाइटल बार। ये जो है हमारी स्क्रॉल बार होती है, इससे पेज हमारा ऊपर नीचे मूव करता है विद द हेल्प ऑफ माउस और एरो कीज। इसके बाद ये है हमारी स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार हमें बताती है कि अभी जो हमने खोला हुआ है डॉक्यूमेंट उसकी हम कौन से पेज पे, यहाँ पे देखो पेज नंबर अपीयर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1:1 मीन्स टोटल इसमें 1 पेज है और हम पहले ही पेज के ऊपर हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इन अवर डॉक्यूमेंट। इस लेसन में हम आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एमएस वर्ड में कैसे लगाते हैं वो बताएंगे। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, वर्टेक्स एक्सेट्रा। ये क्लिप आर्ट में जो पिक्चर जो कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं वो होती हैं, या क्या पर्सनल पिक्चर भी लगा सकते हो, या वर्ड आर्ट के किसी टेक्स्ट को इसमें लिख सकते हो। वी कैन फाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन द इंसर्ट टैब ऑफ रिबन। ये जो है हमारा रिबन है, ठीक है, इसके अंदर जाके हमें क्या ढूंढना है? इंसर्ट। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, ये इंसर्ट का बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ देखो दिख रहा है आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस पिक्चर को अपनी बुक में बड़े ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहले है इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट होता क्या है? जब भी हम कंप्यूटर लेके आते हैं उसमें एक रेडीमेड पिक्चर गैलरी होती है जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती हैं, कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी उसका सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद होता है। एमएस वर्ड्स कम्स विद रेडीमेड पिक्चर गैलरी नोन एज क्लिप आर्ट। एमएस वर्ड के अंदर रेडीमेड पिक्चर गैलरी होती है जो हमारी पहले से ही कंप्यूटर के अंदर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिप आर्ट। सबसे पहले हम क्या करना है? क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को हमने क्लिक करना है रिबन के ऊपर जाके, देन उसके बाद क्लिक करना है क्लिप आर्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप। उसके बाद हमें क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। द क्लिप आर्ट टास्क पैन अपीयर्स ऑन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो क्लिप आर्ट का जो भी फोटो हैं वो आपकी राइट साइड पे दिखाई देंगी आपको। टाइप द नेम एंड नेम द क्लिप इन द सर्च बॉक्स। उसमें उस जो भी आपको क्लिप चाहिए उसका नाम डालिए, अगर वो आपके उसके क्लिप आर्ट के अंदर है तो आपको वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्लिक गो बटन और प्रेस एंटर की, या तो गो बटन प्रेस कर दो या एंटर की दबा दो। सेलेक्ट एनी पिक्चर ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक ऑन इट। कोई भी अपनी पिक्चर चॉइस की सिलेक्ट कीजिए और उस पर क्लिक कीजिए। देखो जैसे हम क्लिक करेंगे ये है क्लिप आर्ट इंसर्ट में जाके, इस पर क्लिक करने के बाद राइट साइड पे ये पिक्चर गैलरी आ जाएगी।
राइट साइड पे ये पिक्चर गैलरी आ जाएगी। इस पिक्चर गैलरी पे जाके हम यहाँ पे कोई भी नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, अगर तो वो पिक्चर इसमें होगी हम उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही पिक्चर हमारी वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएगी। क्लियर? देखो कंप्यूटर पे हम एमएस वर्ड को कैसे खोलेंगे। सबसे पहले पहले माउस के कर्सर को लेके जाइए स्टार्ट बटन पे। जैसे आप इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें सर्च करना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पे है। देखो इसको सर्च करना, ये देखो यहाँ पे लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे आपकी। ये देखो MS Word Office 2007। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे ये हमारा MS Office Word 2007 इस पर लोड हो जाएगा। देखो ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, ये आपकी बुक में ही बनी हुई है, ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है। इसको हम बोलते हैं, ये देखो ये है आपका इंसर्ट टैब, ये रहा आपका इंसर्ट। और ये जो चीज़ है जिसके ऊपर सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसको हम बोलते हैं रिबन। और ये साइड में जो है ये इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे मेरा माउस का एरो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं आपका स्क्रॉल बार। और सबसे ऊपर ऊपर क्या होता है हमारा, ये इसके ऊपर आपका ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू माइक्रोसॉफ्ट, ये है हमारा टाइटल बार। डॉक्यूमेंट टू नाम इस पर बाई डिफॉल्ट आ रहा है, जब तक आप इसको अगर नया नाम नहीं दोगे ये बाई डॉक्यूमेंट टू के नाम से इसको सेव कर देगा। अगर आप इसकी जगह कोई नया नाम देना चाहो, जैसे ही आप सेव करोगे तो आपसे नाम पूछता है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। देखो इसके अंदर हम क्लिप आर्ट से पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले पहले जाइए इंसर्ट पे, अपने एरो को माउस के एरो को हम लेके जाएंगे इंसर्ट पे, ये इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, देखो जितने भी इसके अंदर बने हुए आइकन देखिए ध्यान से, ये देखो ये रहा क्लिप आर्ट। हमें क्लिप आर्ट की को इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिप आर्ट को क्लिक करते ही हमारा कंप्यूटर के राइट साइड के ऊपर ये स्क्रीन आ जाएगी छोटे से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंप्यूटर की पिक्चर को सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, गो के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम गो के बटन पे क्लिक करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पिक्चर हैं इसके अंदर वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। हम इस पे जाके मॉनिटर पे जाके मॉनिटर की पिक्चर पे क्लिक कर देंगे एक बार। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर इसकी पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, क्लिप आर्ट से पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। इंसर्ट पे जाइए, जब भी आप कंप्यूटर को खोलोगे आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट होम दिखाएगा। होम का जो रिबन है आपका खाली वो डिस्प्ले होगा इस पर। ठीक है, हम जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे को इंसर्ट का रिबन दिखाई देगा, उसके अंदर जो जो प्रोग्राम है वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले पहले क्लिप आर्ट। जैसे मैं क्लिप आर्ट को सर्च करूँगा सिलेक्ट, ये मेरी राइट साइड पे पिक्चर आ जाएगी। देखो ये पिक्चर आ गई। अब हम इसमें कोई और पिक्चर सर्च करके देखते हैं। मैं इस पर टाइप करता हूँ अभी, इसको हटा के मैं इस पर ट्री डाल देता हूँ, TREE। ट्री डालने के बाद अब मैं इसको ओके करूँगा, गो करूँगा। जैसे मैंने गो किया इसके अंदर जो भी ट्री से रिलेटेड पिक्चर है वो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसको मैं ये ट्री की पिक्चर पे मैं सिलेक्ट करके एक बार माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर दूंगा तो पिक्चर जो है हमारी इसकी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी स्क्रीन पे आ जाएगी। इस तरह से हम क्लिप आर्ट के अंदर पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट, क्लिप आर्ट से पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है प्लस जो मैंने आपको दिखाया है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें घर में ट्राई कर सकते हो, नहीं तो बुक में जहाँ तक पढ़ाया उसको ध्यान से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।